अगली खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 76 स्थित सोरखा गांव के रहने वाले कृपाल यादव की कुछ जमीन में पशुपालन और अन्य काम किए जाते हैं। नोएडा प्राधिकरण द्वारा यहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद किसान कृपालू यादव ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। कृपाल यादव का कहना है कि पिछले 20 साल से वो नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 बार कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आया है और कोर्ट द्वारा इस जमीन पर स्टे भी लगा दिया गया है, उसके बावजूद भी नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। कृपाल यादव का कहना है कि नोएडा प्राधिकरण के स्थानीय अधिकारी उनसे अनावश्यक पैसों की डिमांड भी करते हैं। वो आए, मुझे कोई इन्होंने नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मैं अपनी नर्सरी में काम कर रहा था, मैं अपने पौधों में पानी लगा रहा था, मैंने देखा कि पुलिस की गाड़ी आ गई। मैं बाहर आया तो कहने लगे हम तोड़फोड़ करने आए हैं। मेरे पास पेपर था, मैं पेपर लेकर आया, मैंने सारे पेपर उन्हें दिखाए, सर मेरे पास स्टे है, सब कुछ है। उन्होंने अपने सरकारी वकील, जो इनका वकील है कोर्ट में, जो भी एक्स वाई जेड, उसे फोन किया कि ये केस नंबर देखो और इसमें स्टे है क्या। उस वकील ने इन्हें बताया कि इसमें स्टे है और तोड़फोड़ मत कीजिए। उसके बावजूद ये चले गए यहाँ से। इन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं करी, मैं भी अपने काम में लग गया, मैं भी इधर उधर व्यस्त हो गया। व्यस्त होने के बाद मेरे पास कॉल आता है कि भैया आपके यहाँ तोड़फोड़ हो रही है। मैं इतने भाग के आया, इतने तो इन्होंने आके यहाँ पे सब ध्वस्त कर दिया सर। जब तक मेरे लोग आए, मेरे लोगों ने आके यहाँ पे उनके खिलाफ नारेबाजी करी, वो भी दुम दबा के भागे यहाँ से। अगर आप सही थे तो सब कुछ तोड़ के जाते, नेस्तनाबूत कर देते मुझे, जमीन में मिला देते मुझे।